आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जो वाटर में है, हमारा फ्लोट कर रहा है, जिसका 1/4 ऑफ द वॉल्यूम जो है अबव द वाटर है, ठीक है, मतलब 3/4 जो है बिलो द वाटर है, ठीक है, वो सॉलिड बॉडी का। तो हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अपवर्ड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम जो प्रोजेक्ट अपवर्ड करेगा, जो बाहर दिखेगा, इफ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 पे। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 पे अगर तैरता है, फ्लोट करता है, तो उसका कितना फ्रैक्शन बाहर रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो जो गिवन डाटाज है, क्या हम एज्यूम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा उसका एज्यूम कर लेते हैं वी, ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एज्यूम कर लिए थे वी, ठीक है, तो ये हमारा कितना था, वी था। तो हमें फिर अभी फाइंड करना, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर सरफेस होगा, वॉल्यूम अबव वाटर सरफेस, वो कितना होगा, वॉल्यूम अबव वाटर सरफेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/4 वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस है, तो इसका 1/4, तो इसका 1/4 हमारा कितना होगा, V/4, ठीक है। तो हमारा बताना वॉल्यूम ऑफ जो वाटर डिस्प्लेस किया, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस जो किया वो हमारा कितना होगा, V-V/4, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3V/4, ठीक है, इतना वाटर डिस्प्लेस किया होगा, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा। तो वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, वो इक्वल होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो हमारा जो अगर हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, वो इक्वल होगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, डेंसिटी इंटू जी इंटू वी, ठीक है। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर को, हम डेंसिटी W से डिनोट करते हैं, एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को, हम डेंसिटी डिनोट करते हैं, तो ये हमारा रो जी वी ऑब्जेक्ट का मास हो गया, इक्वल्स टू होगा जितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा, तो इंटू जी इंटू कितना हमारा जो वाटर डिस्प्लेस किया वॉल्यूम उसका, 3V/4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो हमारा एक रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, डेंसिटी ऑफ वाटर के कैसे रिलेटेड है। तो हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, जी से जी, ठीक है, तो हम वी से वी कैंसिल आउट हो गया, और जो डेंसिटी आएगा हमारा, वो हमारा आएगा 3/4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं न्यू लिक्विड का डेंसिटी हमारा कितना दिया हुआ था, वो था हमारा 1.1, वो दिया हुआ था न्यू लिक्विड का डेंसिटी जो था, न्यू लिक्विड का NL मेरा मतलब हो गया न्यू लिक्विड, उसकी डेंसिटी क्या है, 1.1 डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा अबव द सरफेस इन न्यू लिक्विड, उसे एज्यूम कर लेते हैं वॉल्यूम अबव द सरफेस, ऑफ इन न्यू लिक्विड, जो होगा उसे एज्यूम कर लिया वी डैश, ठीक है। तो हमारा जो हो गया रिलेशन, जो आएगा रो जी वी इक्वल्स टू 1.1 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वी माइनस वी डैश, ठीक है। तो जब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे जिस तरह से उसको सॉल्व किए थे, तो हमारा जो पहले वाला इक्वेशन से क्या पता चला था, डेंसिटी ऑफ जो था हमारा ऑब्जेक्ट का 3/4 डेंसिटी ऑफ वाटर था, तो यहाँ पुट कर देंगे हम, तो 3/4 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी इक्वल्स टू 1.1 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी माइनस वी डैश, ठीक है। तो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 होता है हमारा 0.75 वी इक्वल्स टू 1.1 वी माइनस 1.1 वी डैश, ठीक है। तो हमारा इससे एक रिलेशन आ जाएगा, जो हमारा वी डैश होगा एक सेट कर लेते हैं, तो 1.1 वी डैश इक्वल्स टू 1.1 माइनस 0.75 वी, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
0.35 V और ये वहाँ पे 1.1 V डैश, तो हमारा जो आएगा V डैश अपॉन V वो हो जाएगा हमारा 0.35 डिवाइड बाई 1.1। तो हम इसको जब सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/22। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ना 7/22 फ्रैक्शंस जो होगा वो हमारा अबव द लिक्विड होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।